Hello everyone, this is Ashishin. This is a continuation video on chapter declaration and payment of dividend. And today in this video we are going to do an important concept, that is investor education and protection fund, which are covered under section 125. First of all, we need to know what is the objective behind to regulate this fund. ऑब्जेक्टिव देखिए क्या हो सकता है इसमें, एज अ नेम सजेस्ट दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, दैट इज इट एम्स टू प्रोटेक्ट फंड ऑफ इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग education okay so we will discuss each and every concept when we I have written these points 1, 4, 5. Actually these are not points, these are section, that is section 125 1, then section 125 4, then section 125 as so on. ठीक है, सो आप इसे स्क्रिप्ट से समझिएगा क्या क्या है. फर्स्ट कि इस फंड को बेसिकली रन करता है, दैट इज इट इज एक्चुअली एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देन सेक्शन 125(4) क्या कहता है, एनी पर्सन कैन अप्लाई टू अथॉरिटी हु इज एंटाइटल टू क्लेम फंड, विच मीन्स देखिए एज यू नो वेरी वेल दैट इफ द अमाउंट अनक्लेम अमाउंट और अनपेड डिविडेंट रिमेन्स फॉर 7 ईयर्स एंड इन अनपेड डिविडेंट अकाउंट, देन इट विल ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. अगर उसके बाद भी कोई पर्सन जो है अपने फंड के लिए क्लेम करने आता है और वो उस पर्सन जो है उसके लिए एंटाइटल्ड हो, दैट मीन्स उसके पास पूरा राइट हो, ठीक है, दैट मीन्स उसके वो कोई रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो, तो फिर उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, देन सेक्शन 5 में क्या बोला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अथॉरिटी विद 1 चेयरमैन 1 CEO एंड अदर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी 7. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस अथॉरिटी या फिर इस फंड को चलाने के लिए ये कुछ मेंबर्स इसमें जो अपॉइंट कर सकता है, कौन कौन से, 1 चेयरमैन 1 CEO और जो भी अदर्स होंगे, बट मैक्स टू मैक्स जितने मेंबर्स मिलाकर, यानी कि चेयरमैन और सीईओ को मिलाकर भी मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 7. देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैव सर्टेन पावर्स लाइक अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसेस एंड होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स. देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैव ऑल्सो पावर टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू ऑफिसेस एंड ऑफिसर्स एक्सेट्रा. देन अथॉरिटी विल रिमेन will maintain records needed as per central government, that is utilization of fund, that means authority के पास पूरा right है, ठीक है, कि वो सारे record को maintain रखे. उनकी एक obligation या फिर duty बन सकती है कि वो अपने सारे record को maintain करे as per the need of central government, कि इस fund का जो पैसा है वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर utilize करना है. then authority can spend funds for their objects which are listed in 3, that is section 125(3). अभी हम पढ़ेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ सेक्शन जो मिसिंग करके हैं, तो आप देख सकते हो 2 and 3, वो मैं धीरे धीरे भी इसको डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में. ठीक है, मैं सोचा था कि मैं पहले वो सेक्शन ले दूँ जिसकी कंटिन्यूटी आपको अच्छे से जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाए. ठीक है, सो क्या है इसकी इसमें कि अथॉरिटी जो है अपने फंड्स का यूटिलाइज या फिर जब एक स्कूल में खर्च करना है तो वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं. देन ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय CAG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, एज पर डिसाइडेड टाइम फ्रीक्वेंसी एंड स्कोप बाय CAG. ऑडिटेड अकाउंट शुड बी फॉरवर्डेड टू CG annually on order mark.
दैट मीन्स देखिए, वैसे तो देखिए पूरा कंट्रोल किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। बट द थिंग इज देखिए, कोई भी अगर कंपनी होती है तो अभी उसको ऑडिट होता है, तो ये तो पूरा फंड है, वो भी किसके प्रोटेक्शन के लिए, इन्वेस्टर के लिए प्रोटेक्शन के लिए, तो इसके भी तो कोई ऑडिट करेगा, तो वो कौन करता है, CAG। तो CAG जो है अपने अकॉर्डिंग, या जैसे मंथली हो गया फ्रीक्वेंसी, जैसे मंथली हो गई क्वार्टरली हो गई, ठीक है, अपने हिसाब से जो है उसको ऑडिट कर सकते हैं, बट उसकी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो एनुअली या फिर ऑन और डिमांड। देन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय CAG एंड ऑथोरिटी बिफोर पार्लियामेंट्स एंड एनुअल रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय CAG। दैट मीन्स सारी सारी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में उनको सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, वो कौन प्रोवाइड करेगा, CAG। ठीक है, तो देखिए हमने ये पढ़ा बेसिक की पहले, वट इज़ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू रेगुलेट दिस फंड, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस और प्रोवाइडिंग एजुकेशन। उसको स्टेब्लिश कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, इसका ऑडिट कौन करता है, CAG करता है, और टाइम टू टाइम वो डिसाइड कर सकते हैं कितनी फ्रिक्वेंसी में रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, आप पढ़े हैं हम सेक्शन 2 जो मैंने ऊपर मिस कर दिया, दिस इज बेसिक रिलेटेड टू द डिपॉजिट ऑफ फंड्स। ठीक है, देखिए वैसे तो हमें इसमें बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रॉम वेयर फंड्स आर कमिंग। इन्वेस्टर एजुकेशन पढ़ने में फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, देखिए 2 किसके लिए है, जो 2 पढ़ रहे हैं हम, ये किसके लिए है, फॉर द डिपॉजिट ऑफ फंड, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से डिपॉजिट पैसा आता है। ठीक है, 3 में हम पढ़ेंगे कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं डिपॉजिट। ठीक है, देखिए मैंने इसे कुछ सेक्शन बना रखे हैं, जैसे देखिए फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है, ग्रांट्स एंड डोनेशन ऑफ CAG, ये फर्स्ट सेक्शन है। ठीक है, एंड देन यू टी अकाउंट, यानी पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ग्रांट्स एंड डोनेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर अनपेड डिविडेंड अमाउंट, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। देन बी सेक्शन क्या कहते हैं, वो पैसे कहाँ से आता है, अमाउंट लाइंग इन 205C सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। देखिए जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो काफ़ी सारे लॉज चेंज हो गए थे, तो उसमें जो पुराना पैसा पड़ा हुआ जो कि कंपनीज एक्ट 1956 अकॉर्डिंग पड़ा था, जो कि उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो भी सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ठीक है, देन अमाउंट इन जनरल रिजर्व अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। देन ये आपका मान लीजिए सेक्शन है सी, ये क्या बताता है, मैच्योर डिबेंचर्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, या फिर एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट बाय कंपनी एंड ड्यू फॉर रिफंड। आपको आपको पता है कि एप्लीकेशन मनी कब रिफंड हो रही है। ठीक है, अगर उसको रिफंड नहीं कर पाए कंपनी, तो वो भी सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, अगेन इन IEPF अकाउंट में। ठीक है, तो हमें याद करना है मैच्योर डिबेंचर्स एंड मैच्योर डिपॉजिट एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देन लास्ट सेक्शन आपका इसमें सेक्शन 3, सेल प्रोसीड्स फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। पहले जो पेपर जब डीमैट अकाउंट नहीं होता था, तब शेयर देखिए पेपर फॉर्म में जो है सेल परचेज होते थे, तो उस केस में जब किसी को शेयर जब फ्रैक्शन में सेल करने होते हैं तो वो हो नहीं पाते थे, तो पैसा पहुँच नहीं पाता था इन्वेस्टर के पास। ठीक है, जैसे 50 पैसे हो गए, तो ऐसे करते 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 काफ़ी एक बहुत बड़ा अमाउंट पर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, अगेन इन इन्वेस्टर रेजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। देन रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ प्रिफरेंशियल्स, चाहिए कौन सी रिडेम्पशन अमाउंट है, ये वो अमाउंट होगा जो या तो अनपेड होगा, कंपनी ने पे नहीं करता है, या फिर अगेन अनक्लेम्ड होगा, जो कि इन्वेस्टर ने अब तक क्लेम ही नहीं किया कि वो उनका पैसा। ठीक है, सो मैंने ये 4 सेक्शन बनाए ABCD, ताकि आपको अच्छा से याद हो जाए। ए किस लिए, ग्रांट एनी काइंड ऑफ ग्रांट रिसीव्ड और डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और UT दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, देन 205C, दैट मीन्स अगर पुराना एक्ट के अकॉर्डिंग को ऐसा पैसा पड़ा है जिसको यूटिलाइज नहीं कर पाए ड्यू टू द चेंज इन कंपनीज एक्ट,
तो फिर वो पैसा कहाँ चल जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। तो ऐसे करके हमने मैंने 4 सेक्शन बनाए ताकि आपको अच्छे से याद है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में पैसे कहाँ कहाँ साथ है ना। कब तो सेक्शन 3 है, ये सेक्शन 3 किसकी बात करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड को हम कैसे यूटिलाइज करें वो हमें बताया गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब यूटिलाइज करेंगे दैट मीन्स हमें पैसा यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स हम रिफंड करेंगे, रिफंड करेंगे ऑफ दिस, दैट मीन्स अनक्लेम डिविडेंड हो, मैच्योर डिबेंचर्स हो, मैच्योर डिपॉजिट्स हो, कोई एप्लीकेशन मनी हो, ठीक है, प्लस जो भी इंटरेस्ट आ रहा हो इन सब से, वो सारे सारे पैसे जो हम रिफंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, मैंने आखिरी बार में बताना भूल गया, अगर कोई भी इंटरेस्ट अगर यहाँ से भी आ रहा है, एनी इंटरेस्ट, तो वो भी आएगा इंटरेस्ट देयर ऑन ऑल्सो ट्रांसफर टू IEPF, ओके। तो ऐसे इसमें वाला होगा कि कोई भी अगर इंटरेस्ट होगा तो वो भी पैसा जो रिफंड कर देगा, देन अगर फिर भी कोई अमाउंट रह गया देन दैट अमाउंट विल बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड अगर कोई रीइंबर्समेंट होगा, लीगल एक्सपेंसेस कोई होगा, जैसे मान लीजिए कोई शेयर आया वो बता कि नहीं ये तो मेरा पैसा है बट एक्चुअली में वो रजिस्टर्ड शेयर नहीं है, ठीक है, तो फिर उस केस में अगर कोई मान लीजिए कोई लीगल एक्सपेंसेस खर्च होता है तो वो भी यहाँ से पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर दी ऑल अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। थैंक यू।